अरे छोटू जी मालिक। अरे यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपनी ऑडियंस को एक बेहतरीन वीडियो दी जाए। कैसी बेहतरीन वीडियो मालिक? यार जिसमें कि जितने भी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉचेस अभी तक लॉन्च हुई है ना उन सब का कंपैरिजन करने वाले हैं। आइडिया तो अच्छा है मालिक। हाँ आइडिया तो बढ़िया ही है क्योंकि इससे ऑडियंस को पता लग जाएगा कि कौन सी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच कहाँ पर स्टैंड करती है। तो छोटू पकड़ाओ माल फिर। लो पकड़िए मालिक। एक और, एक और मालिक, एक और। अरे छोटू तू एक काम कर पूरी पेटी फेंक दे। लो मालिक तैयार हो ना पकड़ो। ओ, ओ, हाँ अब आएगा ना मजा। तो भाई मैंने अपने चैनल पर काफी सारी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉचेस का रिव्यू किया है जिनका कि आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। ये होने जा रहा है महा मुकाबला जिसमें कि मेरे पास स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की सभी तरह की एंड्रॉइड स्मार्ट वॉचेस आ चुकी है। तो चलिए इन्हें कंपेयर करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली स्मार्ट वॉच है हमारे पास एंड्रॉइड S8 अल्ट्रा। एंड भाई ये मैं कितनी बार आपको बताऊं ये है द ओरिजिन ऑफ एंड्रॉइड स्मार्ट वॉचेस। ये इनकी बड़ी माफी से कह सकते हो क्योंकि सबसे पहले यही लॉन्च हुई थी। एंड इसकी करंट प्राइसिंग आपको 2700 से 2800 रुपए देखने के लिए मिल जाएगी। बॉक्स आपको सब कुछ मिल जाएगा जिसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। मैं आते हैं स्मार्ट वॉच पर। स्मार्ट वॉच में आपको 2.2 इंच की एक HD डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई गई है जिसके की जो कलर्स वगैरह है वो काफी अच्छी है। एंड आउटडोर इंडोर में अगर आप यूज करते हो तो कोई भी दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आप इस स्मार्ट वॉच में सिम कार्ड लगा सकते हो। जाहिर सी बात है जितनी भी आज की वीडियो में स्मार्ट वॉचेस है सभी के सभी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉचेस है तो सभी में आप सिम कार्ड लगा पाओगे। बाकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो डिस्प्ले आपको 2.2 इंच की प्रोवाइड करवाई गई है। 1GB की रैम मिल जाएगी, 16GB की स्टोरेज मिल जाएगी। एंड्रॉइड वर्जन आपको 8.1.0 देखने के लिए जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन काफी पुराना है लेकिन एक स्मार्ट वॉच के हिसाब से ठीक ठाक है। बाकी सभी तरह के एप्लीकेशंस आप इसमें चला सकते हो चाहे फिर इसमें YouTube, Instagram, WhatsApp सब कुछ काफी मक्खन तरीके से चलने वाला है। हालांकि गेम्स वगैरह की बात करें तो आप सब वैसे अपर टेंपल एंड जैसे छोटे मोटे गेम्स चला पाओगे, BGM एंड फ्री फायर नहीं चलने वाला है। अगर मैं इस स्मार्ट वॉच को लेकर अपना ओपिनियन देता हूं तो मेरी साइड से वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है। इसमें आपको कैमरा नहीं मिलता, अच्छी खासी रैम नहीं मिलती तो आप हाई लेवल की गेमिंग नहीं कर पाओगे। साथ साथ अगर फोटोज वगैरह आपको क्लिक करने हैं वो नहीं कर सकते। एंड अगली वाली जो स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको स्पाई कैमरा मिलता है वो वाला फीचर भी इसमें मिसिंग है। तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी चूल है ना कि भाई मेरे को एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच चाहिए तो भाई इसे ले लो, पैसा वसूल है। इससे ऊपर जाओगे तो शायद आपको इतना मजा ना आए। अगली स्मार्ट वॉच है इसी स्मार्ट वॉच की बड़ी बहन जो कि है S9 अल्ट्रा। एंड यहां पर जो कुछ कमियां S8 में थी ना भाई वो यहां पर पूरी हो जाएगी। इसमें आपको ड्यूल कैमरे का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी बॉक्स में इसके भी आपको सब कुछ चीजें प्रोवाइड करवाई गई है। इनफैक्ट इसमें आपको ड्यूल स्टेप्स देखने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल स्मार्ट वॉच की बात करता हूं तो भाई ये भी अल्ट्रा स्मार्ट वॉच से इंस्पायर्ड है। लुक्स आपको काफी अच्छी प्रोवाइड करवाई जाएगी। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 2.1 इंच की आपको डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई गई है ड्यू टू वाटर ड्रॉप नोच। फ्रंट साइड में आपको वाटर ड्रॉप नोच देखने के लिए मिलती है जहां पर 2 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करवाया गया। बैक साइड की बात करें तो यहां पर भी आपको 7 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। तो ये था इसका ओवरऑल फिजिकल ओवरव्यू। बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें भी आपको 1GB की रैम 16GB की स्टोरेज प्रोवाइड करवाई गई है। एंड्रॉइड वर्जन इसका भी 8.1.0 देखने के लिए मिल जाता है। एंड ओवरऑल जो यूजिंग एक्सपीरियंस है वो मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा। स्मार्ट वॉच की प्राइसिंग की बात करें तो 3300 से लेकर 3500 के बीच में आई गेस आप इसे बाय कर सकते हो। मैं बता देता हूं कि आज की वीडियो की मोस्ट ऑफ द स्मार्ट वॉचेस आप चेकआउट कर सकते हो जोन अल्फा से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां पर भाई मेरा प्रोमो कोड ऑलरेडी अप्लाइड है। आप जाइए वहां पर आपको 100 रुपए का स्टैंड डिस्काउंट मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको एयरपोर्ट्स फ्री भी मिल सकती है, तो चेकआउट करना मत भूलना। बाकी अगर इस वाली स्मार्ट वॉच को लेकर मैं अपना ओपिनियन देता हूं तो भाई आपको S8 नहीं बाय करने थी क्योंकि इसमें कैमरा नहीं था। इसमें आपको कैमरा मिल जाता है तो आप इसकी साइड जा सकते हो। अगर आपको सस्ते रेट में थोड़ी सी बड़ी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच चाहिए तो गो फॉर इट, चेकआउट करो जाकर इसे। नेक्स्ट स्मार्ट वॉच थी हमारे पास X8 अल्ट्रा। ये वाली स्मार्ट वॉच भी थोड़ी यूनिक सी है भाई क्योंकि इसमें भी आपको कैमरा प्रोवाइड करवाया गया। हालांकि ये सिंगल कैमरे के साथ आती है। बैक साइड अगर आपको 7 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करवाया गया है। ओवरऑल इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करता हूं तो नॉर्मल सा आपको देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि अभी तक की 2 स्मार्ट वॉचेस थी, सेम ही आपको ये भी अल्ट्रा वाले लुक्स के साथ देखने के लिए मिलती है। बाकी इसमें भी आपको 1GB की रैम प्रोवाइड करवाई गई है, 16GB की स्टोरेज आपको मिल जाती है। छोटे मोटे गेम्स एप्लीकेशंस आप इसमें चला सकते हो। ये सब तो हो गई भाई हमारे पास 1GB की रैम वाली स्मार्ट वॉचेस जो कि कहीं ना कहीं अपनी जगह पर ठीक है, अपने प्राइस सेगमेंट को जस्टिफाई करती है। इसमें मैं 2 स्मार्ट वॉच और एड ऑन करना चाहूंगा, हालांकि मैंने उनका रिव्यू नहीं किया है, जो कि DW88 एंड DW89। ये भी काफी अच्छी स्मार्ट वॉचेस है। अगर आपको इनमें से कोई सी बाय करनी है तो एक बार यार इनका कंपैरिजन या फिर इनकी रिव्यू वीडियो यूट्यूब पर जाकर चेकआउट कर लेना। मैंने नहीं करी क्योंकि भाई उस टाइम ये वाली स्मार्ट वॉच अवेलेबल नहीं थी। मैंने काफी कोशिश करी इन्हें बाय करने की लेकिन मैं बाय नहीं कर पाया। लेकिन जितने मैंने देखा है वो वाली स्मार्ट वॉचेस भी अपनी जगह काफी अच्छी है। कुछ आपको S8 जैसी देखने के लिए मिल जाती है जिसमें कैमराज नहीं है, एंड कुछ ऐसी भी है जिनमें आपको कैमरा प्रोवाइड करवाया गया। तो चेकआउट कर लेना उन स्मार्ट वॉचेस को भी। मैं नाम दोबारा बता देता हूँ DW88 एंड
TW89। अगली स्मार्ट वॉच है हमारे पास S12। ये वाली स्मार्ट वॉच भाई थोड़ा सा अपग्रेड के साथ आती है। इसके बॉक्स में आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया गया है, अल्ट्रा वाली लुक्स आपको मिल जाती है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसके कैमरा आपको हिडन देखने के लिए मिलता है, जो कि क्राउन के अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। अगर आप उसे अलग सा रोटेट करोगे तो उसके क्राउन में आपको एक 7 मेगापिक्सल का हिडन कैमरा मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करता हूँ तो 2.2 इंच की आपको एक HD डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई गई है, जिसमें जो कलर्स वगैरह है वो काफी अच्छे देखने के लिए मिल जाती है। मैं अगर बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो ये आती है 2GB की रैम और 16GB की स्टोरेज के साथ में। बाकी सिम कार्ड आप इसमें 4G 5G लगा सकते हो। एंड हाँ भाई, इसमें आप कोई सा भी गेम चला लो, फिर चाहे वो BGMI हो या फिर फ्री फायर हो, क्योंकि इसमें आपको 2GB की रैम मिलने वाली है। आपको बता देता हूँ कि जो गेम प्ले है वो इतना अच्छा नहीं निकल कर आएगा, लेकिन हाँ चल जाता है, आप डाउनलोड कर उसमें लॉगिन वगैरह कर सकते हो एंड कुछ टाइम के लिए आप इसमें गेम वगैरह खेल भी सकते हो। बाकी ओवरऑल नॉर्मल एप्लीकेशंस इसमें काफी अच्छे चलने वाली है। ये भी काफी प्यारी सी स्मार्ट वॉच है। प्राइसिंग की बात करता हूँ तो 4,42 रुपए के आसपास आपको इसकी प्राइसिंग मिल जाएगी। अरे यार छोटू जी मालिक, मैं सोच रहा हूँ कि यार वीडियो ना काफी लंबी हो जाएगी, तो क्यों ना इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। तो ऐसा है, आज की वीडियो में मैंने आपको 5 एंड्रॉइड स्मार्ट वॉचेस बताई है स्पेसिफिकेशंस वाइज, जिसमें कि S8, S9, X8, DW88, DW89 एंड S12 हो गई। ये सभी स्मार्ट वॉचेस के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अभी के लिए यहीं पर सबर रखो एंड थोड़ी सी एक्साइटमेंट रखो पार्ट 2 के लिए, क्योंकि इसमें जो स्मार्ट वॉचेस है भाई क्या ही, 4GB की रैम, 3GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, AMOLED डिस्प्ले, हिडन कैमरा, ड्यूल कैमरा, पता नहीं क्या क्या फीचर्स है इनमें। तो पार्ट 2 के लिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट बचा कर रखो, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम और मशक्कत लगी है। तो लाइक कर जरूर से जाना, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड मुझे फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पर, मेरा यूजर नेम है TagBoomer01, फॉलो करना मत भूलना। बाकी आप बाय कर सकते हो जोन अल्फा से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।